बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े के रमज़ान गुजरे होंगे आप लोगों के लिए। आज मैंने आपके लिए जो ब्लॉग बना रही हूँ वो ईद की शॉपिंग का है। तो सो मैं आपको आज अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी और पूरे दिन की मसरूफियत बताऊँ मैं आपको। आज सुबह उठते साथ ही हम शॉपिंग पर चले गए। शॉपिंग पे से आए हैं, बहुत थक गए थे, समझ नहीं आ रहा था इफ्तार क्या बनाएं क्या करें। तो थोड़ी बहुत इफ्तारी हमने बाहर से ले ली और फिर मैंने जल्दी से बहुत मज़े की माश की दाल बनाई है, भुनी हुई माश की दाल बनाई है ताकि सहरी में भी हो जाए और टेंशन ना हो। फिर मैं थक जाऊंगी रात में, जब से इफ्तार कर चुके हैं तो बहुत ही थक जाते हैं और बस दिल करता है बस नमाज़ पढ़ो और लेट जाओ, फिर उठने को दिल नहीं करता और किचन में खड़े होने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इसलिए मैंने माश की दाल बनाई, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और मैं आज आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माश की दाल बनाने के लिए हमने आधा किलो माश की दाल ली, एक बड़ी प्याज ली है और एक बड़ा टमाटर लिया है, दो हरी मिर्चें, साथ थोड़े से कड़ी पत्ता और चार पांच लहसुन की जवे और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का। और खड़े मसालों में हमने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, साबुत गरम मसाला लिया है और ज़ीरा लिया है। और स्पाइसेस में हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और नमक। साथ ही हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हम दो खाने के चम्मच हम ऑयल डालेंगे। साथ ही हमारी जो प्याज हमने काट के रखी हुई थी, एक बड़ी प्याज है ये, फुल साइज़ की जो बड़ी प्याज होती है वो है, अगर आपके पास छोटी हैं तो आप दो ले लीजिएगा, वो हमने डाल दी है। दो खाने के चम्मच, दो खाना पकाने के चम्मच तेल में डाली हैं हमने, ठीक है। इसमें हम डाल के बस इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। साथ ही हमने माश की दाल चूल्हे पे चढ़ा दी है ताकि वो गल जाए। जब हमारी माश की दाल गल जाएगी यानी बस दम के काबिल रह जाएगी तो हम इसे उतार लेंगे। साथ ही हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, ये देखिए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है हमने, बस हल्की हल्की ब्राउन करनी है। माश की दाल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बाज़ लोग माश की दाल मसाले के अंदर डाल के भी गलाते हैं, लेकिन मैं अलग से गला लेती हूँ। इससे ये होता है कि दाल जो है बिल्कुल मुनासिब गलती है, यानी बहुत बाज़ वक्त ऐसा होता है कि साथ डाल दें तो बहुत ज़्यादा गल जाती है, कभी नहीं भी गलती,
इसके साथ ही मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है, ज़ीरा डाला है। कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा। और साबुत गरम मसाला डाला है। साबुत गरम मसाले में जो जो मसाले होते हैं आप जानते ही होंगे, हमारी बहनें जानती हैं क्योंकि सभी खाना बनाते हैं घर में, तो सबको पता होता है कि कौन कौन से मसाले हैं होते हैं साबुत मसालों में ना, साबुत गरम मसाले में। बस हम अभी से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें जब कड़ी पत्ते की मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर अपने बाकी जो अज्जा हैं वो डालेंगे। इस टाइम पे हमें बड़े मज़े की खुशबू आने लगी, तो इसके साथ ही हमने इसमें एक बड़ा टमाटर जो हमने काट के रखा था वो डाल दिया है। अब हमें अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारी जो टमाटर हैं वो सही से गल जाएं। और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये माश की दाल, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और झटपट तैयार हो जाती है। साथ ही हम अपने स्पाइसेस भी डाल देंगे। स्पाइसेस में हमने एक चाय का चम्मच भर के इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, आधा चाय का चम्मच हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और नमक हसबे जायका है। हल्दी मैंने आधी से आधा चाय का चम्मच डाली है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें डाल रही हूँ 6 से 7 अदद, इससे भी ज़रा मिर्चें तेज़ हो जाती हैं सालन में, तो इसलिए आप स्पाइसेस ज़रा देखभाल के डालिएगा। तो फिर बस हम अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। साथ ही जो है मैंने माश की दाल चढ़ाई हुई थी। दाल बनाने में बस मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि दाल गिरती है। ऑयल डालें, आप कुछ भी डालें, और 10 मशवरे दिए हैं लोगों ने, सब मशवरे आजमा के देख लिए, लेकिन दाल में जो बॉयल आता है स्टार्ट में तो झाग ज़रूर बनती है। तो बेहतर यही होता है टोटके करने के बजाय आप उस जो झाग आ रही हो स्टार्ट में ही आती है उसे आप निकाल लें, एक साइड पर निकाल लें। तो साथ ही हमारा जो मसाला है माश की दाल का वो भी भुन रहा है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम इसे ढककर रख देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं। लीजिए, 2 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटाया तो हमारे टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके थे। अब हमारा भूनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक हमारे सालन के ये जो ग्रेवी है इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए। कड़ी पत्ते मैंने डंडियों के साथ ही डाल दिए थे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं तो हमेशा डंडियों के साथ ही डालती हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि बाद में निकाल लें। तो बस ये है कि अब हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक यानी इसका तेल अलग नहीं हो जाता, हम इसे भूनते जाएंगे। ये देखिए सालन ने अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है और जो साबुत मसाले हमने इसमें डाले थे गरम मसालों समेत वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। अदरक लहसुन भी आपको नज़र आ रहा होगा, कुटी हुई मिर्चें भी आपको नज़र आ रही होंगी। बस अब हम अपनी माश की दाल को देखेंगे। अब हम अपनी माश की दाल को देख रहे हैं, देखें कितनी गल गई। हमने बस इसे एक कन्नी छोड़ना है, जिस तरह हम चावल को छोड़ते हैं उस तरीके से हमने इसे एक कन्नी छोड़ना है, क्योंकि हम जब मसाले के अंदर मिक्स करके इसको भूनेंगे और थोड़ी देर के लिए हमें इसे दम भी देना है तो उसमें ही हमारी माश की दाल गल जाएगी। बस अब हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। हमने बस इतनी गलाई है कि हमारी माश की दाल जो है वो घुट ना जाए, हमारी माश की दाल खड़ी खड़ी रहेगी। तो बस आपने इतना ही इसे गलाना है कि ये खड़ी खड़ी रहे, घुट ना जाए बस। अब हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया। अब हमने इसमें एक नींबू निचोड़ लिया है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, निचोड़ना चाहें तो निचोड़ लें। अच्छी तरीके से हमने इसमें नींबू निचोड़ लिया और मैं नींबू इसी के अंदर ही छोड़ देती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका आता है, बाद में आप निकाल लें बेशक। अब हम इसे ढककर दम पे रख देंगे। 5 मिनट हमने इसे दम देना है और उसके बाद हमारी डिश माश की दाल बिल्कुल तैयार होगी और हम उसे सर्व करेंगे।
मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल सी शॉपिंग करी है हमने इस दफ़ा। ये मैंने अनस्टिच कपड़े ख़रीदे थे और मैंने खुद स्टिच किए हैं। ये मेरी बड़ी बेटी के सूट है, ये शांजे का सूट है, बुनंदा सतरंगी का ही लिया था मैंने ये। इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र है और प्रिंटेड दुपट्टा है। और सेकंड सूट जो है वो मेरी छोटी बेटी का है, वानिया का, ये भी बुनंदा सतरंगी का ही है। इसमें थोड़ा प्रिंट जो था वो बहुत बड़ा बड़ा था, इसको काट पीट के मैंने बच्ची के काबिल बनाया है, तो ये भी मैंने खुद ही स्टिच किया है। इसके साथ वाइट ट्राउज़र है और शेफून दुपट्टा है इसके साथ। बहुत ही प्यारा सूट है ये, बहुत ही मज़े का कलर है, मुझे बहुत पसंद आया था ये कलर। और मेरा सूट है रेडीमेड, हाँ मैंने बिन सईद का लिया है सूट, रेडीमेड सूट लिया था। बहुत ही अच्छा होता है, इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे चल जाते हैं। स्टिच था ये, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आए। सिंपल कपड़े होते हैं, अच्छे होते हैं और गर्मी भी नहीं लगती इन कपड़ों में, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे होते हैं। ट्राउज़र पे भी इनके डिज़ाइन बना हुआ है, एप्लिक हुआ है। ये देखिए एप्लिक किया हुआ है। और दुपट्टा बहुत प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया इनका दुपट्टा, बहुत ही प्यारा दुपट्टा था। और एक मेरा अनस्टिच भी है बिन से इसका बुनंदा सतरंगी का, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी, उनकी पसंद के सूट हैं तो अच्छे थे। बच्चों के हिसाब से नहीं थे लेकिन मैंने बना दिए, और मेरा तो खैर था, बच्चों के ऊपर थोड़े छोटे छोटे प्रिंट अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते, तो बस ये है कि मैंने उनको काट पीट के इस काबिल कर दिया कि वो बच्चे पहन लें। इसके साथ लेस दी हुई है, ट्राउज़र है इसके साथ, और ये शेफून दुपट्टा है। ये भी बहुत प्यारा सूट है, बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह मैं पहनूंगी, ईद पे सी लूँगी और पहनूंगी। इस दफ़ा दीपाज के मैंने बहुत सिंपल कपड़े लिए हैं क्योंकि हमारी फैमिली में कोई शादी वगैरह थी, उसमें हमने अच्छी खासी शॉपिंग की थी, तो कैजुअल कपड़े लिए हैं मैंने ताकि वो घर में भी आराम से पहन सके। दो शर्ट्स ली हैं, एक कमीज शलवार लिए हैं बिल्कुल सिंपल सा, और मैंने शॉर्ट्स लिए हैं इसके, दो शॉर्ट्स लिए हैं। ये ऐसे कपड़े हैं कि बाहर आते जाते भी पहन लेगा, घर में भी पहन लेगा, फिर वो फैंसी थोड़े कपड़े ले लो तो फिर वही शादी ब्याह के ही काम आते हैं, और कोई फंक्शन वगैरह हो या कोई दावत वगैरह हो उसमें चलते हैं, तो वो मैं पहले से ही ले चुकी थी, इस वजह से मैंने इस दफ़ा ईद पे, वैसे भी लॉकडाउन है कहीं आना जाना तो बिल्कुल है नहीं। शूज़ लिए हैं मैंने दिबाज के, बस एक ही शूज़ लिया है मैंने इसका, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिया क्योंकि ये बढ़ता हुआ बच्चा है और फ़ौरन से छोटे हो जाते हैं इनको। ये वानिया अपने लिए शूज़ लेकर आई थी, मेरी छोटी बेटी जो है उसको पसंद आ गया था, तो वो अपने बाबा के साथ जाके अपने लिए शूज़ लेकर आई थी ये। और मेरी बड़ी बेटी ने जो है वो जो ब्राउन और ब्लैक ट्राउज़र के साथ सूट जो मैंने आपको दिखाया था उसके साथ मैचिंग का ये खूसा लिया है, उसको बहुत शौक़ था खूसा लेने का, फ़र्स्ट टाइम उसने खूसा लिया अपने लिए। और ये वानिया अपने लिए लेकर आई थी, ये जब अपने बाबा के साथ गई थी वो शूज़ और ये शूज़ दोनों वानिया लेकर आई थी अपने लिए। और ये शांजे का था, मगर शांजे के लिए मैं लेकर आई थी, मगर ये शांजे को नहीं आया और वानिया को आ गया, तो अब ये भी वानिया को हो गया। वानिया के पास इस दफ़ा ईद पे तीन शूज़ हो गए हैं, और ये मैं अपने लिए लेकर आई थी। बहुत ही सॉफ्ट थे ये, चलने में बहुत ज़्यादा आराम दे, वैसे भी स्टाइलों के शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। ये भी मेरी बड़ी बेटी अपने लिए बैग लेकर आई थी, बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा मुझे दे दो, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा ये तो मेरा है। और ये उन दोनों ने जाके कुछ शॉपिंग करी है अपने लिए भी, और मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, हम सब मिलजुल के पहन लेते हैं। माशाल्लाह मेरी बेटियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं, हम सब जो है ना हमें एक दूसरे की हर चीज़ आ जाती है सिवाय कपड़ों के तो ये वो लेकर आई थी, बहुत ही प्यारे लगे थे मुझे, देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये अकलमंदी करी है मेरे बच्चों ने मेरे बगैर जाके कि हर चीज़ अलग अलग डिज़ाइन की लेकर आए हैं, एक जैसी नहीं ली कि दोनों एक जैसी चीज़ ले लें ताकि अलग अलग करके पहन सकें। ये इयर रिंग्स हैं, ये वानिया लेकर आई है, शांजे तो हिजाब करती है तो वो पहनती नहीं है इयर रिंग्स, ये वानिया अपने लिए इयर रिंग्स लेके आई है। और ये भी इयर रिंग्स का पैकेट लिया उसने, उसे बहुत शौक है टॉप्स वगैरह पहनने का, तो ये लिया है। और एक और इयर रिंग्स ली हैं उसने, बहुत प्यारी सी, मुझे बहुत पसंद आई, ये भी बहुत अच्छी हैं, ये देखिए
अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं, ये लोग मेरे बगैर भी बहुत अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं, मुझे पता चल गया अब। और ये ब्रेसलेट है, ये बड़ी बेटी मेरी लेकर आई है, मेरे लिए लेकर आई थी कि मम्मा ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया, मदर्स डे पे इसने मुझे ये दिया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों का। ये देखिए, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये मेरी छोटी बेटी मेरे लिए लेकर आई है मदर्स डे पे गिफ्ट, वो बड़ी बेटी ने दिया था, ये छोटी बेटी ने दिया है। उनको पता है कि मम्मा को ब्रेसलेट्स बहुत पसंद है, रिंग्स और ब्रेसलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतने अच्छे गिफ्ट दिए। देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग? जिस तरह मेरे खाने सिंपल होते हैं वैसी मेरी शॉपिंग भी बिल्कुल सिंपल सी थी। तो इसके साथ मैंने आपको जो माश की दाल की रेसिपी दी है इस वीडियो में, वो भी बहुत मज़ेदार है, खड़े मसाले की माश की दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, ताकि मैं और मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं आपके लिए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूं, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।